तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकड़ रूपे। और आज मैं साउथ की मूवी लेके आया हूँ जिस मूवी का नाम है डीजे टिल्लू। और इस मूवी को हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और ये मूवी हमको ऐसा क्या नया दिखाती है, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा है इस मूवी को देखते समय, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। और ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में, और इस मूवी का जॉनर है ड्रामा रोमांस कॉमेडी। और इस मूवी को IMDb पे 7.4 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 की, और गूगल यूजर ने इसे 95% के स्कोर दिए। भाई रेटिंग से समझ सकते हो मूवी कितनी यार ऑसम होने वाली है। और इस मूवी का डायरेक्शन क्या है विमल कृष्णा ने, और इस मूवी के कास्ट में आपको बड़े बड़े एक्टर देखने को मिल जाएंगे जैसे ब्रह्मा जी, प्रिंस एल, नेहा शेट्टी और सिद्धू जोनल कोंडा। और ये मूवी भाई एक टॉप क्लास की मूवी होने वाली है। इस मूवी को भाई मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना। और इस मूवी की स्टोरी भाई एकदम यूनिक है, और पर्सनली यार ये मूवी मेरे को बहुत पसंद आई, और इस मूवी को मैंने बहुत इंजॉय किया। और इस मूवी में भाई मैं इतना खो गया था, और मैं सोच रहा था यार इस मूवी की लेंथ और बढ़ जाती तो भाई और मजा आ जाता, और स्टोरी भाई आपको कहीं डिसअपॉइंट नहीं करती। लेकिन भाई इस मूवी से कनेक्ट होने में ना आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। और इस मूवी में जो भाई डीजे टिल्लू का कैरेक्टर है भाई, उस कैरेक्टर को कम मत समझना। और मूवी में जो डीजे टिल्लू का कैरेक्टर है भाई, स्टार्टिंग में आपको अनमेच्योर लगेगा, लेकिन भाई वो कैरेक्टर ना बहुत ही समझदार है और दिमाग वाला है, और वो अपने ब्रेन के दम पे ना भाई कितने बंदों को पछाड़ने का दम रखता है, ये सारी चीजें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगी। और मूवी की जो स्टोरी है ना भाई अनएक्सपेक्टेड है, और इस मूवी में भाई आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। और ये मूवी भाई एक एडवेंचर मूवी होने वाली है। और इस मूवी में जो सिद्धू का कैरेक्टर ना भाई, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, उनकी परफॉर्मेंस, और जब वो भाई कोमा में चले जाते हैं ना, और जब कोमा से बाहर आते तो भाई जिस तरीके से उनकी डायलॉग डिलीवरी, जिस तरीके से भाई परफॉर्मेंस, सच में भाई उनकी एक्टिंग ना देखने लायक है। और ये मूवी भाई एक एंटरटेनमेंट मूवी होने वाली है, और भाई जिस तरीके से इस मूवी को भाई पर्दे में प्रेजेंट किया गया है ना, काबिले तारीफ है। और ये मूवी भाई बच्चों के लिए नहीं होने वाली है, क्योंकि इस मूवी में आपको एडल्ट सीन देखने को मिलेंगे। अगर इस मूवी के क्लाइमैक्स की बात करें तो भाई इस मूवी का क्लाइमैक्स एकदम दमदार है, और ये पूरी मूवी ना भाई डीजे टिल्लू के कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, जो भाई एक डीजे है और एक सिंगर भी है, और लोग ना उसे भाई बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जब उसकी लाइफ में एक लड़की आती है ना, तो भाई उसकी लाइफ ना भाई किस तरह चेंज हो जाती है, और उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी वजह से ना भाई उसकी लाइफ में ना प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, और वो भाई उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आता है, ये सारी चीजें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगी। और ये मूवी भाई एक सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा मूवी होने वाली है, और मूवी आपको कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। इस मूवी की स्टोरी के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। इस मूवी में जो डीजे टिल्लू का कैरेक्टर है, जो भाई अपना पैशन फॉलो कर रहा है, और उसे भाई सिंगिंग और डीजे दोनों पसंद है, लेकिन जो उसके फादर है ना भाई, उस पर हमेशा पैसा लगा लगा के परेशान हो गए, क्योंकि भाई उसका ना पैशन हमेशा चेंज होता रहता है, कभी इसको कुछ और बनना है और कभी इसको बिजनेस करना है, जिसकी वजह से भाई इसके फादर परेशान हो जाते हैं, और वो सोचते कि भाई ये अपनी लाइफ में क्या करेगा। और जब टिल्लू का कैरेक्टर एक बार क्लब जाता है ना, तो वहाँ पे ना नेहा शेट्टी का जो कैरेक्टर ना, वो भाई सिंगिंग कर रहा होता है, और भाई वो उसकी आवाज सुन के ना उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और दोनों के बीच में ना कन्वर्सेशन होती है, और दोनों भाई चले जाते हैं, और टिल्लू का जो कैरेक्टर ना भाई उससे प्यार करने लगता है, और भाई प्यार में ना वो इतना अंधा हो जाता है कि एक बार उसकी बर्थडे पार्टी होती है, और वो ना आने से मना कर देती है कि मुझको कुछ प्रॉब्लम है तो मैं नहीं आ पाऊंगी, तो वो कहता है कि मैं अपनी बर्थडे पार्टी कैंसिल कर दूंगा। तो नेहा का जो कैरेक्टर ना वो उसे घर बुला लेता, लेकिन घर पे जाके भाई कुछ और ही सीन चल रहा होता है, और कैसे टिल्लू और नेहा का जो कैरेक्टर ना भाई एक मर्डर केस में फंस जाते, और भाई कैसे उस लाश को ठिकाने लगाते, लेकिन जब उस लाश को ठिकाने लगा रहे होते ना, तो भाई कोई पर्सन ना उनकी वीडियो बना लेता है और उनको ब्लैकमेल करता है, और इसी के चलते ना भाई कितने लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, और वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर आएंगे, ये सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। अगर इस मूवी के बैसिंग की बात की जाए ना, इस मूवी में जो टिल्लू का कैरेक्टर ना भाई, उसका जब भी कटता है ना भाई बहुत मजा आता है, क्योंकि इस मूवी में जो नेहा है ना, किसी भी फ्रेंड से मिलाती है ना, तो वो बोलती कि ये सिर्फ मेरा फ्रेंड है, लेकिन जब भाई वो उस कैरेक्टर के बारे में जानता है ना, तो पता चलता है कि ये उसका एक्स है। भाई वो वाला सीन मुझे इस मूवी का बेस्ट सीन लगा है, और भाई इस मूवी को भाई मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना। भाई मूवी में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, वो भी बम्पर के तौर पे। तो भाई इस वीडियो में इतने। अगर आपने ये मूवी देखी है ना, तो भाई आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और इस मूवी का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भाई इस वीडियो में इतने, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके भाई, टेक केयर।